मेरी प्यारी बच्चों एवं मेरे प्यारे साथियों, सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बड़ी प्यारी सी बच्ची थी जिसका नाम था तुलिका। तो तुलिका की शादी हुई, वो अपने ससुराल गई। तो शादी की पहली रात को सुहाग सेज पर बैठकर वो अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। कुछ समय बीता, उसका पति एक बड़ी सी थाली में खूब सारे सुगंधित पकवान लेकर के कमरे के अंदर घुसा। पूरा कमरा महक उठा सुगंधित भोजन से और वो तुलिका से बोला, देखो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना लेकर आया हूँ, चलो हम दोनों जल्दी से खाना खाते हैं। तुलिका बोली, माँ जी को भी बुला लो, फिर तीनों साथ में बैठ के खाते हैं। उसका पति बोला, अरे नहीं नहीं, पहले हम दोनों खा लेते हैं फिर हम उनके लिए भिजवा देंगे। तुलिका बोली, नहीं, पहले माँ जी को बुला लीजिए, साथ में बैठ के खाएंगे। अरे वो खा भी चुकी होंगी भाई, मानती नहीं हूँ कहना। बोली, मैंने तो उनको खाना खाते नहीं देखा। जिद मत करो, आओ बैठ के खाओ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा अच्छा खाना लेके आया हूँ। बोली, नहीं, मेरे घर में पहले बड़े बुजुर्गों को खिलाया जाता है, उसके बाद बहू खाना खाती है, तो पहले माँ जी को भी बुला लो। अरे माँ थक के सो गई होगी, शादी ब्याह काम में लगी हुई थी। फिर तुलिका ने कहा, थक गई तो होगी तो क्या हुआ, उनको जगाया भी तो जा सकता है। जब इस घर में हम लोग केवल तीन ही प्राणी हैं तो प्लीज़ पहले माँ जी को बुला लीजिए, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। उसके पति विनय को लगा, आज ही आई और आज ही रुआब झाड़ रही है, मेरा कहना नहीं मानती। नहीं बुलाऊंगा, चुपचाप उधर क्या हो, बैठ के साथ में खाना खाओ, एक दूंगा भी एक थप्पड़ का सीट कर। इतना सुनना था कि तुलिका ने फटाक से फ़ोन निकाला, नंबर डायल किया अपने भाई को और कहा, तुरंत आओ बिना देर लगाए। भाई पिता सब घबरा गए, क्या हुआ, अभी तो सुबह सुबह लड़की विदा हुई, रात को फ़ोन आया, तुरंत आओ। भाई लोग भागे, पहुँचे आगे घर, क्या हुआ। माँ घबरा गई, अरे क्या हुआ। तुलिका बोली, मैं इस आदमी के साथ एक क्षण नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए, आज ही चाहिए। भाई पिता सब परेशान, बोले, नहीं, जो मैंने कह दिया वो मैंने कह दिया। पिता भाई तुलिका को लेकर घर आए और यहाँ जो दूल्हा था, जो उसका शौहर था, विनय की माँ को जब ये पता लगा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उसी रात को उन्होंने अपना दम तोड़ दिया कि जिस दिन का मैं इतने बरसों से इंतज़ार कर रही थी कि मेरी बहू आएगी, आते ही हादसा हो गया, वो चल बसी। खैर तुलिका की दूसरी शादी हो गई, विनय की भी दूसरी शादी हो गई। कई सालों बाद, 40-50 सालों बाद तुलिका के चार बेटे हो गए। तुलिका ने अपने बच्चों से इच्छा जाहिर की, मेरे प्यारे बच्चों, मैं तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ, मैं चारों धाम पे जाना चाहती हूँ। बच्चे खुशी खुशी लेकर अपनी माँ को निकल पड़े और जब वो रास्ते में जा रहे थे तो एक आदमी बहुत गंदे गंदे कपड़े पहने, फटे हाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, ऐसा लगे जैसे बरसों से नहाया नहीं हो, उनकी तरफ बड़ी दया भरी दृष्टि से देख रहा था।
क्योंकि तुलिका और तुलिका के बच्चे तो खाना खाने आ रहे थे। उन्होंने खाना खोला ही था खाने के लिए कि बड़ी याचना भरी निगाहों से उनको देख रहा था। तब तक तुलिका ने कहा इसको भी कुछ दे देते हैं। बच्चों ने कहा हाँ हाँ माँ बिल्कुल जैसा आप कहो। माँ के मन में आया लेकिन बेटा ये मेरी इच्छा है कि इसको खाना खाने से पहले तुम चारों भाई नहला दो, नहला के साफ सुथरे कपड़े पहना दो, उसके बाद ये खाना खाए। बच्चों ने बिना कोई आना कानी किए उस भिखारी को नहलाया, साफ कपड़े पहनाए। ये क्या, जब वो नहा धो के उसने साफ कपड़े पहने? तुलिका तो देख के हैरान रह गई। ये तो उसका वही पति था जिसको पहली रात को तुलिका ने तलाक दे दिया था। उसने कहा कि मुझे पहचाना? विनय ने कहा नहीं। अरे मैं तुम्हारी पहली बीवी हूँ जिसने तुम्हें पहली रात को ही तलाक दे दिया था। लेकिन ये बताओ ये तुम्हारा हाल हुआ कैसे? तो शर्माते हुए बोला कि प्रभु की कृपा से घर में सभी साधन हैं, किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों ने मुझे घर से निकाल दिया और दर दर की ठोकर खाने पर मुझे मजबूर कर दिया। मैं कई सालों से भीख भाग भाग के अपना पेट भर रहा हूँ। तुलिका बोली बिल्कुल सही हुआ तुम्हारे साथ, यही होना भी चाहिए था। अब वो एकदम हैरान रहेगा कि ये क्या। बोले जो व्यक्ति अपनी माँ की कदर नहीं कर सकता उसका यही हाल होता है जो आपका हुआ है, और इसीलिए मैंने उस दिन आपको तलाक दिया था कि आपके द्वारा मुझे संस्कारहीन औलाद प्राप्त होती। जिसके पिता में कोई अच्छे संस्कार नहीं है तो बच्चों में कहाँ से आते। मैंने कितनी बार कहा था माँ को बुला दो, माँ को बुला लो, माँ को बुला लो। अरे जिस माँ ने अपना पूरा जीवन आपकी परवरिश में दांव पे लगा दिया, जो खुद भूखी रहकर आपको निवाले खिलाती रही, जो खुद गीले में सो करके आपको सूखे में सुलाती रही, जब आप उस माँ के नहीं हुए तो मेरे क्या होते। मैंने आज से 50 साल पहले बिल्कुल सही निर्णय लिया था, आज मुझे गर्व हो रहा है। देखो मेरे इन चार बच्चों को, एक बार मैंने कहा कि बेटा मैं चाहती हूँ कि इसको नहला दो, उन्हें घिन नहीं आई, एक बार भी नहीं बोले कि नहीं माँ हम ऐसा नहीं करेंगे। बड़े प्रेम से मेरे बच्चों ने आपको नहलाया, नए साफ सुथरे अपने कपड़े आपको उतार के पहना दिए और आपको खाना खिलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और आप अपनी माँ की औलाद के होकर के अपनी माँ के नहीं हो पाए। तो मेरे प्यारे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, ये स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं है, ये सब बेटा यहीं पर है। अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, हमारे घर में हमारे बुज़ुर्ग हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तो हमारा घर वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। और जहाँ बच्चे माता पिता की इज्जत नहीं करते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़ा कलेश होता हो, तो वो घर नर्क से भी बदतर है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे अपने खुद के हाथ में है, चाहे हम इसे स्वर्ग बना लें और चाहे हम इसे नर्क बना लें। तो मेरे साथियों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे। अच्छा भाई, सब बच्चों को टाटा बाय बाय। आप सभी यहाँ खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने